हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन 3 में हमको क्या कह रहे हैं, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। है ना, तो देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सबसे इजी भी बताता हूँ। तो जैसे हमारे पास कभी भी बोला जाए कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ निकालना है, कोई भी थिंग रहेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चीज़ें निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, इनका HCF निकालना होता है। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, 616 एंड 32। तो आपको क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है सिंपली। तो सबसे पहले बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं बताने के लिए इनको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल HCF ऑफ 616 एंड नंबर सेकंड वाला क्या है हमारा 32। तो हम HCF निकालने के लिए भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चनों में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फोर 616 एंड 32। तो कैसे करते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है इसको, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप हम क्या करेंगे, 32 से 616 में डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 32 से 616 में डिवाइड किया। तो 32 से हमने डिवाइड किया 61 में सबसे पहले। तो 61 क्या है, यदि दो बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही बार करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 माइनस करेंगे, कैरी 10 ले लेंगे हम, है ना, क्योंकि 1 में 2 नहीं जाएगा, 6 में 1 लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ पर कितना बचा, 5 में 3 गया था, हमारे पास बचेगा 2, ऊपर से हम उतार लेंगे 6। अब देखिए अभी और चला जाएगा इसमें, हमको करना है 296, यानी 32 की टेबल इतनी बार पढ़ना है कि हमको 296 से ज़्यादा ना हो। देखिए यदि हम इसको 10 बार करते हैं 320 होगा, तो हम 9 बार इसको करके देख लेते हैं, है ना। मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 32 × 9, 9 × 2 = 18, केरी 1, 9 × 3 = 27, 27 = 288। 9 बार में कितना आ रहा है, ये 288। माइनस करेंगे हम यहाँ से, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 9 में से 1 केरी लेंगे, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 8 बचा, 8 में से 8 गए तो 0, 2 में से 2 गए 0, 0 हम नहीं लिखते, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा है यहाँ पे अभी। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 616 इक्वल टू, है ना, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन में क्या होती है, a = bq + r। तो उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमने डिवाइड किससे किया, यहाँ पे 32 से, कोसेंट कितना आया हमारे पास 19, प्लस में रिमाइंडर बचा हमारा 8। अभी हमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, हमने कब तक करना है यहाँ पे कि 0 ना आए, तो यहाँ पे हम आगे और करते हैं, किस में डिवाइड करेंगे, 32 में। देखिए 32 में यदि हम डिवाइड करते हैं तो 8 × 4 जो कितना होता है हमारा 32, माइनस करेंगे 0 बचेगा। नेक्स्ट बार में हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंट हमारा क्या है 32 8 × हमारे पास कोसेंट कितना आ गया 4, प्लस में रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ गया हमारे पास, हेयर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके आगे यदि रिमाइंडर को 0 मिल गया तो हमारा HCF मिल जाएगा। मैंने बताया लास्ट में जो हमारा डिवाइजर बचता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। तब यहाँ पे लिख देंगे सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल कितना होगा हमारा HCF 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने रहेंगे हमारे पास, 8।